अभिषेक बच्चन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अभिषेक ऐश्वर्या से माफी मांग रहे हैं। जबकि कुछ का कहना है कि ये वीडियो पुरानी है। देखकर आप भी बताइए, क्या सच में अभिषेक ऐश्वर्या से इस वक्त चल रहे बवाल की वजह से माफी मांग रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या को घर से निकाल दिया गया, जिस वजह से अभिषेक उनसे माफी मांग रहे हैं। दरअसल कुछ महीनों से बच्चन परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक के बाद एक सदस्यों के जन्मदिन सेलिब्रेट किए जा रहे थे, लेकिन सभी सेलिब्रेशन में ऐश्वर्या अलग दिखाई दी। ऐसे में कहा जा रहा था कि शायद बच्चन परिवार ने बहू ऐश्वर्या को अलग कर दिया है। अब वो जलसा बंगले में भी नहीं रहती हैं। ये बात तब ज्यादा चर्चा में आई जब अमिताभ ने अपना प्रतीक्षा बंगला बेटी श्वेता के नाम कर दिया। इस बंगले में ही ऐश्वर्या अभिषेक की शादी हुई थी। ऐश्वर्या इस बंगले को बहुत पसंद करती थी, लेकिन अब ये बंगला ऐश्वर्या के हाथ से निकल कर श्वेता के हाथ में चला गया। कहा तो ये भी जा रहा है इसी बंगले की वजह से लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई है और ऐश्वर्या अपनी माँ के घर शिफ्ट हो गई है। और इसके बाद माफी वाली वीडियो ने सबके होश उड़ा दिए। माफी से याद आया, ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अभिषेक अक्सर रात को उनसे माफी मांगा करते थे। ऐश्वर्या ने कहा कि अगर उनके और अभिषेक के रिश्ते में समझदारी और प्यार ना होता तो अब तक यानी 16 साल से उनका रिश्ता चल नहीं रहा होता, क्योंकि जब भी किसी की गलती होती है तो वो माफी मांगकर ही सोता है। जब से बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी लाडली बेटी श्वेता नंदा को बंगला गिफ्ट किया है, तब से लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि बिग बी अपनी जायदाद का बंटवारा भी कर दें। अगर ऐसा होता है तो ऐश्वर्या की खुद की संपत्ति कितनी है, जरा नजर डालिए। ऐश्वर्या राय ने साल 2007 में अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से शादी की थी। दोनों की एक 12 साल की बेटी आराध्या भी है। भले ऐश्वर्या राय अब फिल्मों में कम नजर आती है, लेकिन लोग उनकी खूबसूरती की आज भी चर्चा करते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी दिलाना आंखों से भी खूब चर्चा में रहती है। ऐश्वर्या राय ने सबसे पहले मॉडलिंग से ग्लैमरस वर्ल्ड में एंट्री की थी। फिल्म रूवर से एक्टिंग की करियर में शुरुआत करने वाली ऐश्वर्या राय करीब कई सालों पहले ही अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर चुकी हैं। इतने सालों तक मेहनत कर ऐश्वर्या राय ने अपनी करोड़ों की संपत्ति बनाई। आपको बता दें, ऐश्वर्या राय की नेटवर्थ उनके पति अभिषेक बच्चन से कई गुना ज्यादा है। ऐश्वर्या भले ही फिल्में ना करती हो, लेकिन एक साल में करीब 90 करोड़ की कमाई कर लेती है। ऐश्वर्या राय किसी भी ब्रांड्स एम्बेसडरमेंट के शूट के लिए एक दिन का 6 से 7 करोड़ रुपए वसूलती है। आपको बता दें, ऐश्वर्या राय बच्चन कई इंटरनेशनल ब्रांड का चेहरा है, इससे उनकी करोड़ों की कमाई होती है। ऐश्वर्या राय का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 5 BHK का आलीशान अपार्टमेंट भी। ऐसा अपार्टमेंट को उन्होंने साल 2015 में खरीदा था, जिसकी कीमत अब 21 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। वे मुंबई के वर्ली इलाके में भी ऐश्वर्या राय की लग्जरी अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत 41 करोड़ है। इनके अलावा दुबई में भी ऐश्वर्या की काफी प्रॉपर्टी है।